प्रयागराज G20 के डेलीगेशन के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको बता देंगे कुछ ही देर में इसी रास्ते सर, जो कि पचास रोड कहलाता है, यहीं से खेरिया मोड़ से, खेरिया एयरपोर्ट से होता हुआ काफिला सीधा ताज कन्वेंशन हॉल जाएगा। आपको बता देंगे यहाँ पे अभी से पुलिस मुस्तैद कर दी गई है और साथ ही साथ जगह जगह पर सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं, जहाँ पर देश की जो विभिन्न नृत्य होते हैं, जो विभिन्न तरह की विधाएं हैं उनके अंदर दिखाया जाएगा। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बच्चियां हैं जो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, बीडीजन कॉलेज इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं जो कि गिद्दा और भांगड़ा में प्रस्तुति देंगी। साथ ही साथ आगे जो है वो बच्चियां झंडे लेके खड़ी हुई है, तिरंगा झंडा लेके खड़ी हुई है, और तिरंगा झंडे के माध्यम से ये लोग आने वाले विदेशी जो सैलानी है, जो विदेशी डेलीगेशन है, उसका स्वागत करेंगी। आगरा के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि G20 समिट के जो सबसे पहली बैठक है वो आकाश नगरी आगरा में होने जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ था और आगरा को बेहतरीन से बेहतरीन लुक देने के लिए जुटे हुए थे, और आज देखा जा रहा है कि आज आगरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पे डेलीगेशन जो है वो कन्वेंशन ताज कन्वेंशन होटल पहुंचेगा, और उसके बाद कल वहां पर जो जिस समिट की पहली बैठक है वो होगी, जिसका मुख्य जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण है। अब देखने वाली बात होगी कि इस G20 का कितना फायदा इस भारत देश को मिलता हुआ नजर आता है। आगरा से मानव मल्होत्रा, पंजाब के से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।